हेलो गाइस, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हम अपनी वीडियो में शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, चलो बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में काइन मास्टर को ओपन करना है, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके व्हाइट यानी सफेद रंग वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है और अपनी वीडियो के मुताबिक ड्यूरेशन बराबर करना है। फिर यहाँ से पस ऑप्शन पर आना है, फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप शेडो लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह आप लोग भी अपना वीडियो सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे मीडिया के थ्रू ऐड कर दे। ऐड करने के बाद यहाँ पे दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके ब्लैक स्क्रीन वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वीडियो के ऊपर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करना है कि पीछे चले जाए। इसका मतलब ये है, सेंड टू बैक क्लिक करके इसी तरह हो जाएगा और अच्छी तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर इसका साइज़ भी इसके बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ पर पास ऑप्शन में दोबारा आना है और फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे बेसिक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पस वाला ऑप्शन जो ब्लर ऑप्शन है इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ओके करना है और इसका साइज़ भी ड्यूरेशन भी इसके बराबर करना है और यहाँ पे इसी तरह पुल करना है। यहाँ पुल करने के बाद यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, जो वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करना है और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेंड टू फ्रंट करना है यानी सामने, फ्रंट टू ब्रिंग टू फ्रंट इसके ऊपर क्लिक करके तो इसी तरह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको शेडो का कलर चेंज करना है तो यहाँ से लास्ट में ब्लैक वाला बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैक वाला बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर पसंद है वही सेलेक्ट करना है। इसी तरह येलो, यहाँ से ब्लू, जो भी आपको पसंद है कर सकते हैं। तो इसी तरह ओके करना है। तो यहाँ से शेडो ऐड हो चुका है, तो वीडियो को प्ले कर लेते हैं। देखिए, तो इसके बाद सिंपल यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये थी वीडियो शेडो के बारे में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।